लड़की की उंगली देखकर करें विवाह का फैसला, खुल जाएंगी किस्मत। शादी विवाह का फैसला जब भी करें तो सबसे पहले इस बात का ध्यान अवश्य ही रखें कि जिसे आप अपना जीवन साथी बनाने जा रहे हैं वे आपके लिए कितना भाग्यशाली होगा। इसलिए शादी से पहले कन्या का चेहरा देखकर हाँ नहीं करें, बल्कि उनकी उंगलियां भी जरूर से देख लें। वही समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि उंगलियां देखकर कन्या के बारे में ऐसी बातें जान सकते हैं जो आपकी तकदीर बदल सकती हैं। समुद्र शास्त्र के मुताबिक जिस कन्या की उंगलियां गोल और लंबी होती हैं, वह खुद भी भाग्यशाली होती हैं और पति के लिए भी बड़े भाग्य वाली होती हैं। वहीं जिस कन्या की उंगलियां छोटी होती हैं, तो समझ लीजिए शादी के बाद आपके लिए बचत करना पान थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि ऐसी लड़की बहुत अधिक खर्चीली होती हैं। कन्या की हथेली के ऊपर वाले भाग पर बालों का होना विवाह के लिए शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा जाता है कि ऐसी कन्या को जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वही उंगली के आगे का भाग पतला हो और सभी पोर एक समान हो तो इसे भी वैवाहिक सुख और शांति की नज़र से बेहतर माना जाता है। वही अगर जिस कन्याओं की दोनों उंगलियों को मिलाने पर बीच में खाली जगह होती है, उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती है। उंगलियां मांसल नहीं होना भी जीवन में कठिनाई और संघर्ष का संकेत होता है।